महंगाई बहुत ज़्यादा है, जीना मुश्किल है मजदूरों का। हम किसानों के लिए आए हैं जिनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां किसान मजदूर संघर्ष रैली जारी है और बड़ी संख्या में जिस तरह किसान मजदूर पहुंचे और खेत मजदूर बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हुए हैं, अलग अलग राज्यों से, देश के अलग अलग कोनों से यहां पहुंचे हैं। और किसान संगठनों का तो यहां तक दावा है और कि यहां लाखों के लाख संख्या में मेहनतकश आवाम पहुंची हुई है। और हम इस मजदूर रैली में आम जनता, आम किसान, आम मजदूरों से बात करके समझने का कोशिश करेंगे उनकी क्या मांगे हैं और उनको दिल्ली तक क्यों आना पड़ा है। और इस पूरी रैली का माहौल क्या है आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। हम लोग आसाम से आया है दिल्ली तक धरना देने के लिए। हम लोग का मांग है, आंगनबाड़ी वर्कर है हम लोग, आसाम में 6,500 देता है सैलरी, इसलिए 21,000 तक बढ़ने के लिए हम लोग इधर में आया है। इतनी दूर से आए हैं, रहने के लिए घर नहीं है, काम मिलता वो जान रहते नहीं है, तो क्या करे फिर आदमी। पूरे देश का जो मेहनत कश आवाम है वो मोदी सरकार की प्रो कारपोरेट नीतियों के चलते हुए बहुत परेशान है, महंगाई को लेके, रोजगार को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, 4 लेबर कोड को लेके, मजदूरों में, किसानों में MSP को लेके, कर्जा मुक्ति के सवाल पे, जो जन इशू है जैसे मनरेगा का है, गांव में लाइफ लाइन है एक तरह की मनरेगा, अगर इसको ठीक से चलाया जाए 200 दिन का काम दे, 600 दिहाड़ी दें। अब बजट के अंदर तो सरकार ने उसका बजट और काट दिया। बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं कि हमें मकान मिल जाए, जगह मिल जाए, कभी बहुत साल हो गई हमने, कम से कम 17 साल हो गई हमने, लेकिन हमें अभी कुछ नहीं मिला है। मिलती है विधवा वृद्धा पेंशन, वो भी नहीं मिल रही है अभी तो, अभी नहीं मिल रही है, कुल 500 रुपये मिलती है बस। हाँ, 3 बच्चे हैं, बताओ बच्चों को खिलाएं, किराया दें या पढ़ाई लिखाई में दें, क्या करें। उसमें जो भी 8 बजे जाना पड़ता है, शाम को 5 बजे वहाँ से छुट्टी होती है, और मात्र हमको 260 रुपये ही मिलते हैं, 260 रुपये भी नहीं मिलते पूरे। जबकि मेरी बात सुनो, एक मजदूर को मजदूरी करने ले जाया जाता है तो उसको 450 रुपये मिलते हैं, बेलदार को काम वही है, दाम लेकिन बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी है, करना पड़ता है, हमको रेंट पर रहते हैं, कुछ और चारा है नहीं हमारे पास। मगर अब जनता को बात समझ में आने लगी, आखिर कब तक ये हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, कब तक ये जाति पाति का नारा लगाते रहेंगे। पेट को तो रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, इलाज चाहिए, मकान चाहिए। ऑल प्राइस रेट इज इंक्रीज्ड, टैक्स आल्सो इंक्रीज्ड, दे आर टेलिंग हिंदू मुस्लिम Christians to divide the all persons। गेहूँ लाया सब बर्बाद हो गया है, पशुओं की मार तगड़ी है किसानों के लिए, बिजली के बिल में कोई फायदा नहीं है, कोई हमको बीमा नहीं मिला है अब तक, ना कोई रोजगार मिला है। मोदी बात करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन हम बेरोजगार पड़े हुए हैं। क्षेत्र मजदूर है, हम बोल रहे हैं कि रोजगार हमें अंतर्गत हर क्षेत्र मजदूर को 200 दिन काम मिलना चाहिए और उसका 1 दिन का 600 रुपये उनको मिलना चाहिए, वो भी नहीं दे रहे। हम तो यही कहना चाहते हैं, हमारी मजदूरी बढ़ाओ पहले नंबर तो, और हमको रहने के लिए आवासहीन जो व्यक्ति हैं उनके लिए कुछ जगह, मकान, जो भी कुछ है वो हमारे लिए मदद करो कुछ ना कुछ। तो पिछले 1 साल इस देश के मेहनतकश किसान मजदूर खेत मजदूर ने पूरे देश की सरकार की जन विरोधी नीतियों, काले कानूनों और मालिक प्रस्त 4 श्रम संहिताएं बनाई थी, उनके खिलाफ निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी एकता मेहनत कसकी बनी है। हम ये मोर्चे के माध्यम से उनको बता रहे कि जो 4 लेबर कोड आपने बनाए वो रद्द कीजिए। सरकारों की नीतियों से आम जनता बेहाल है और सरकार में बैठे हुए भ्रष्ट लोग और बड़ी बड़ी कंपनियां मालामाल है। 2004 से लेके अब से पूरे जितने भी जहां भी छोटा बड़ा प्रदर्शन हुआ, हमने सब में बहुत बड़ी
संख्या में भागीदारी ली है और आगे भी अगर ये सरकार मोदी ये सोच रही है नहीं मिड डे मील कुछ नहीं कर सकती, ये महिला है, हम आगे और भी बड़ा आंदोलन और भी बढ़िया तैयारी के साथ सही भी महिलाएं आएंगी, ये ना सोचे एक भाई अनपढ़ है, ये एक नहीं पूरी मुट्ठी है, अगर मिलकर चलेंगे ना तो मोदी नहीं सभी इसे से बड़े बड़े पूंजीपतियां ने नीचे घेरेंगे भैया। लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं आ रही, इतनी दूर से आए किसी से चलो किराया भरता उसमें तो नहीं लगा हमारा, लेकिन ऑटो टेम्पो किराया वो तो देना पड़ा है हमको, भूखे प्यासे हम कल रात के घर से 8 बजे के निकले हैं। मैं फरदाबाद मिड डे मील यूनियन की सेक्रेटरी हूँ। हमारा ये दिक्कत है कि हमें 6 महीने हो गए, 6 महीने से तो हमें वेतन ही नहीं मिल रहा और सरकार हमसे इतने बेघर करवाती है, मतलब चपरासी चौकीदार से और चपरासी तक का काम हम ही करते हैं, चाय बनाते हम, रजिस्टर हम पकड़ाते और रसोई का काम सारा हम करते, पानी हम पकड़ाते और टीचर गेट पे हम बैठते, सफाई भी हम ही करते, तब भी ये सरकार हमारा वेतन नहीं दे रही, 6-6 महीने में वेतन हो गया, हमारा परिवार घर कैसे चले। किसानों के हर क्षेत्र में चाहे वो खाद की सब्सिडी हो, ग्रामीण विकास हो, नरेगा का बजट हो, सब बजट में देश की सरकार ने कटौती करके किसान और देश के मजदूर के साथ विश्वासघात करने का काम किया है, तो उन तमाम बातों को लेकर के देश की सरकार को चैलेंज करने के लिए आए हैं, या तो इन नीतियों को बदले वरना उस सरकार को बदलने का काम देश का किसान मजदूर और खेत मजदूर करेगा। दिक्कत हमें नरेगा में काम नहीं मिल रहा है और मजदूरी का पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेतहाशा बढ़ गई है। खेत के अंदर जब हम खेत मजदूर काम करते हैं तो हमें लाभकारी दाम नहीं मिलता है, उसके बावजूद ये मनरेगा में जो कटौती हुई है 360 दिन में 200 दिन का की हम मांग करते हैं, इसके बावजूद 600 रुपये मिलना चाहिए किसान के ऊपर, ये आवारा पशुओं का इतना नुकसान है तो ताकि ये किसान की फसल नष्ट होती है। बिहार में जो सिंचाई प्रणाली है पूरी तौर पर ध्वस्त हो चुकी है, हाँ जी, उसमें काम करने वाले लोग जो हैं उसमें भी जो मजदूर हैं वो उनको भी अस्थायीकरण नहीं किया गया है, उनको भी औने पौने पैसे देकर रखा जाता है, यही सब सवाल को लेकर हम लोग आए हैं। बिहार में जो हम लोग का जो पैक्स का चुनाव कर दिया है, पैक्स के माध्यम से किसानों का धान नहीं लिया जाता है। पैक्स होता है हमारे जो सहकारी समिति जो बिहार गवर्नमेंट की है, जो पहले जो भारत सरकार की FCI है उसको खत्म कर दिया है और अपना जो मंडी खत्म कर दिया है बिहार सरकार ने 2004 में उनकी सरकार बनी वो खत्म कर दिया और पैक्स के माध्यम से धान लिया जाता है, लेकिन किसानों को धान नहीं लिया जाता है, वो व्यापारियों के धान लिया जाता है। मोर देन 150 पीपल केम फ्रॉम कोयम्बटूर बाई ट्रेन एंड फ्रॉम दिल्ली वी केम टू दिस रामलीला ग्राउंड बाई बस एंड वी डिमांड द नीड्स ऑफ the Indian kisan. Indian agriculture people are very much suffering, their products are not getting original price, the kisan are suffering because they are very lessly paid, but when those products are value added they reach the highest peak and they export the products to a highest level, but the kisan are suffering because they are paid very 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 little. बड़े बड़े कारपोरेट को मनमानी लूट की छूट दी जा रही है और सरकार खुद उनकी पीठ पे खड़ी है, ऐसी स्थिति में जनता क्या करे, जनता के पास संघर्ष के सिवाय कोई रास्ता नहीं है।